लेकिन इस बार जनता एकदम सोच समझ करके मतदान करेगा और यह बदलाव का भावना सभी में हो गया है। आज जब सत्ता लगातार एक आदमी के इर्द गिर्द घूमे तो शासनकर्ता अहंकारी हो जाता है कि सिर्फ 5 सालों के अंदर इस पंचायत को हम राष्ट्रपति अवार्ड से अवार्डेड कराएंगे। वक्त आने दे बता दूंगा तुझे ऐ रुपहरा पंचायत के मतदाता मालिकों, हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज़ और मैं हूं समीउल्ला चंपाड़नी। चिरैया प्रखंड के रुपहारा पंचायत में हम पहुंचे हैं और हमारे साथ मौजूद है विपिन कुमार, जो रुपहारा पंचायत के मुख्य प्रत्याशी के तौर पर आ रहे हैं। बात हम करेंगे कि किन मुद्दों के साथ ये चुनाव में हैं, क्या कुछ करना चाहते हैं इस पंचायत में। सबसे पहले विपिन जी, आपका एसटीवी न्यूज़ में स्वागत है। धन्यवाद। चुनावी प्रक्रिया जोरों पर है, तैयारी भी आपकी काफ़ी दिनों से चल रही है, नामांकन भी करने आप जा रहे हैं। नामांकन कब कर रहे हैं अपने पंचायत के लिए? 27 तारीख को 10 बजे से यहाँ से हमारा गाड़ी निकलेगी, 1 से 2 बजे तक नामांकन हो जाएगा। विपिन जी, हम ये जानना चाहेंगे कि आपके पंचायत इन 5 सालों में कुछ विकास हुआ है? 5 साल नहीं, वो 20 साल से अभी मुखिया हैं वर्तमान में, कोई विकास नहीं दिख रहा है। 20 साल से हैं और 20 साल के बनाम कोई विकास नहीं है। लगातार 20 साल से एक ही आदमी प्रतिनिधित्व कर रहा है पंचायत का, कोई विकास नहीं है, तो पब्लिक सपोर्ट कैसे करती है फिर ये सीट पे बाकी कैसे हैं? जनता है, जनता का तो अपना सोच है, अब जनता ही चुना उनको, उसमें तो हम क्या दूसरा क्या हम कुछ कर सकते हैं। जनता का अपना सोच था, उसमें चुना, लेकिन इस बार जनता एकदम सोच समझ करके मतदान करेगा और यह बदलाव का भावना सभी में हो गया है, सभी जनता में बदलाव की भावना है और इस बार जो है उनका करारा जवाब देगा। आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी, आप क्या काम करना चाह रहे हैं क्षेत्र में? हम विकास करेंगे, जनता को विकास, पंचायत का विकास करेंगे। शिक्षा का स्तर काफ़ी नीचे आ गया है, तब जागरूकता किस तरह से लोगों में फैलाएंगे? जागरूकता है कि जो गरीबों है, जो एकदम अति पिछड़ा में, दलित में, बहुत अभी शिक्षा का कमी है। मेरा जब यह होगा तो टोला टोला में जो है शिक्षा का एक अलग टोली चलेगा, अलग से उसका माने शिक्षा देने का जो है प्रावधान अपना है जो किया जाएगा। मनरेगा वगैरह के तहत लोगों को जो रोज़गार देना है, गरीबों को, मजदूरों को रोज़गार देना है, धरातल पर काम नहीं हो पाता है, इस पर क्या नज़र रहेगी आपकी? नहीं, मनरेगा से तो बहुत कम्प्लीट काम होगा यहाँ पे, क्योंकि मेरा एकदम निस्वार्थ मनरेगा पर टोटल फोकस मनरेगा पर ही रहेगा और मनरेगा के तहत अच्छा विकास का काम पंचायत में होगा। इंदिरा आवास वगैरह पर क्या कुछ कहेंगे? इंदिरा आवास का जो है काम बहुत ठोस कदम उस पर उठाया जाएगा और उस पर मेरा जो है एकदम जनता को बैठा करके, और जिस जनता के, जिस गरीब के पास नहीं है इंदिरा आवास, पहले जो है जनता के पास बैठा कर डिसीजन लिया जाएगा, ठोस कदम लिया जाएगा, पहले किसको ज़रूरत है उसी को जो है पहला इंदिरा आवास मिलेगा और उस पर कोई रिश्वत नहीं, कोई घूस नहीं, ये पहले मेरा ये मुद्दा है। बिना घूस, बिना रिश्वत का उसका, गरीबों का इंदिरा आवास बनेगा और जो जायज होगा उसी का बनेगा। हमारे साथ तारा सिंह हैं, जो विपिन जी के स्टार कैंपेनर हैं। बात करेंगे इनसे कि किन मुद्दों के साथ ये भी हैं चुनाव में हैं और किस तरह की तैयारी है। तारा सिंह जी, हम ये जानना चाहेंगे इस पंचायत चुनाव को आप किस रूप से देख रहे हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रजातंत्र की सफलता बदलाव में निहित होती है। आज पिछले 20 सालों से सत्ता बिल्कुल एक आदमी के इर्द गिर्द घूम रहा है, और जब सत्ता लगातार एक आदमी के इर्द गिर्द घूमे तो शासनकर्ता अहंकारी हो जाता है और अपने मनमाना काम को करता है। यहाँ कोई भी काम गरीबों को देखकर, आम जनता को देखकर नहीं किया गया। कुछ खास लोगों को जब शोषण के लिए सत्ता किया जाता है तो शासक के कोने में बैठ जाता है, अपने द्वारा चुनिंदे कुछ, जिसको आज की भाषा में आप चमचा कह सकते हैं, अपने चमचों के द्वारा पूरी जनता का शोषण करता है और अपने को पाक साफ अलग बैठा हुआ दिखता है। तो पूरे यहाँ 20 सालों से सत्ता है, शासन निरंकुश है,
और विकास कहीं नहीं है। सिर्फ चेहरा देखकर और अपने आदमियों का विकास हुआ है, आम जनता का कहीं कुछ भी विकास नहीं हुआ है। अगर हमारी जनता विपिन जी को बदलाव की लहर है और ऐसा लगता है कि विपिन जी इस चुनाव को जीतेंगे और निश्चित रूप से जीतेंगे, और तब हम इस पंचायत की व्यवस्था इतना सुदृढ़ करेंगे कि हम आपको वचन देते हैं कि सिर्फ 5 सालों के अंदर इस पंचायत को हम राष्ट्रपति अवार्ड से अवार्डेड कराएंगे, आदर्श पंचायत की घोषणा करेंगे। अब आप देखिए कितने लाख रुपया शौचालय के नाम पर खर्च हुआ गवर्नमेंट का, लेकिन आप आए हैं, आप देखे होंगे आज भी लोग खुले में शौच करते हैं। भाई इस पंचायत को खुले में शौच से मुक्त कराएंगे। अगर हमारे मुखिया जीतते हैं तो हम इस पंचायत के लिए एक एम्बुलेंस की व्यवस्था करेंगे जो फ्री सेवा पंचायत स्तर पर रहेगी, और जिसे भी जरूरत पड़ेगी उस तत्काल उसको सुविधा दिया जाएगा। इस टाइप की बहुत सारे सपने हैं हमारे जिसको हमें कार्य रूप में परिणित करना है, और इस पंचायत के लेवल को इतना आदर्श बनाना है कि बिहार में एक मॉडल के रूप में इस रूपहारा पंचायत का नाम लिया जाए। रोड वगैरह की समस्या वगैरह काफ़ी देखने को मिलती है आपके पंचायत वगैरह में क्षेत्र में? रोड तो यहाँ अब मैं आपको क्या बताऊँ, जो खास हैं उनके दरवाजे पर जाके देखिए, पक्का पिटा गया पूरे दरवाजे पर, और जो गरीब हैं उनको घर में जाने के लिए घर नहीं है, जो ज़रूरतमंद है उनको इंदिरा आवास नहीं है, आज जिनको ज़रूरत नहीं है उनको एक नहीं तीन तीन इंदिरा आवास है। शौचालय में जिसको ज़रूरत है उसको शौचालय नहीं है, आज जिसको ज़रूरत नहीं है उसको एक ही परिवार में तीन तीन चार चार शौचालय दिया गया है। इस तरह से अस्त व्यस्त है व्यवस्था। मैंने कहा आपको जब बदलाव होगा ही नहीं तो जो शासक है उसमें डर कहाँ से आएगा, वो तो अहंकारी हो जाएगा और अपने तरीके से मनवाना काम करेगा, वहीं रूपहारा पंचायत में हो रहा है। पंचायत भवन वगैरह आपके पंचायत में है? पंचायत भवन की स्थिति तो इतनी जर्जर है कि देखने के बाद आँखों में आंसू आ जाता है। एक भी खिड़की नहीं है, बरसों से 20 सालों में उसमें पेंट तक नहीं किया गया है। उस सारे दिन उसमें सुअर कुत्ता और बिल्ली रहते हैं। ऐसी पंचायत भवन है इस रूपहारा का। तारा सिंह जी, एक संदेश क्या देना चाहेंगे रूपहारा पंचायतवासियों को? हम रूपहारा पंचायत के मतदाता मालिकों को यह संदेश देना चाहते हैं कि सिर्फ 5 साल के लिए हमें मौका दीजिए, हम आपके गाँव का सर्वांगीण विकास करेंगे। ज़रूरतमंदों को हमारे पंचायत ऑफिस में नहीं आना पड़ेगा, हम ज़रूरतमंदों के दरवाजे पर जाएंगे और उसकी समस्याओं को सॉल्व करेंगे। ऐसी हमारी इच्छा है, ऐसा हमारा संकल्प है। अंत में मैं कहना चाहूँगा कि आप हमें अपना विश्वास दीजिए, आप हमें अपना मत दीजिए, और मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि कैसे हमारा पंचायत कितना खूबसूरत होगा, क्या हमारे सपने हैं, क्या हमारी इच्छा शक्ति है। इसके लिए कहना चाहूँगा कि वक्त आने दे, बता दूंगा तुझे ऐ रूपहारा पंचायत के मतदाता मालिकों, हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में। रूपहारा पंचायत के मुखिया प्रत्याशी विपिन जी आ रहे हैं, जोर शोर से तैयारी चल रही है, और इनका एक सपना है आदर्श पंचायत बनाना और यहाँ की सारी समस्या को दूर करना। पड़ताल जारी रहेगा क्या कुछ होता है। कैमरामैन दिनेश के साथ समीउल्ला चंपाड़नी, एसटीवी न्यूज़।